हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 से और जो चैप्टर लिया है वो है कॉन्टिन्यूटी। एक अच्छा सा क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी का कि चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन कि fx इज इक्वल टू 2x² - 1 एट x इज इक्वल टू 3। मतलब 3 पे ही आपको चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी और फंक्शन आपको 2x² - 1 दिया हुआ है। तो चलिए, बिल्कुल रटे हुए स्टेप है, आप इस पैटर्न को, तरीके को रटा लगा लें। हर क्वेश्चन में एक ही तरीके से किया जाता है। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, आप मेरे एक एक स्टेप को फॉलो कर लें और पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और इससे जुड़े किसी भी क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करके देखें, आपका आंसर 100% मैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है LHL। अब LHL लिखने का एक पैटर्न है क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू, जिस पर चेक कर रहे हैं 3 पर चेक कर रहे हैं तो 3 और ऊपर एक माइनस। माइनस ये डिनोट करता है कि आप LHL सॉल्व कर रहे हो। इसका मतलब ये होगा जब मैं RHL सॉल्व करूंगा तो मैं 3 प्लस लिखूंगा उस समय fx। ठीक है, अब याद रखो यहां लिमिट 3 हो, 0 हो, पाई हो, पाई बाय 2 हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगले स्टेप पर मुझे हमेशा क्या लिखा हुआ चाहिए, मुझे लिखा हुआ चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0। ये ध्यान रखना कि अगला स्टेप लिमिट x टेंड्स टू 0 ही लिखा हुआ चाहिए और यहां क्या लिखा जाएगा, लिमिट जिस पर चेक कर रहे हो माइनस h। माइनस सिर्फ इसलिए क्योंकि LHL सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब जब मैं RHL सॉल्व करूंगा तो यहां क्या लिखूंगा, 3 प्लस एच। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहां फंक्शन की बारी। अब फंक्शन तो क्वेश्चन में सिंगल एक ही है, पूरा का पूरा फंक्शन कॉपी होगा। बस कंडीशन ये है कि क्वेश्चन में जो मौजूद x था, जो एफ एक्स था, उसका x अब चेंज हो गया है 3 - h। तो जहां जहां क्वेश्चन में x दिख रहा हो वहां क्या पुट कर दो, वहां पुट कर दो 3 - h। तो चलिए पुट करिए, 2 × x² मतलब 3 - h का होल स्क्वायर और माइनस का 1। अब क्या करिए, अपनी लिमिट हमेशा क्वेश्चन में इंसर्ट कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन मॉड वाला होता, मतलब मेरे क्वेश्चन में कहीं पर मॉड गिवन होता, तो ध्यान रखना ये लिमिट इंसर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो आपका जो एच है अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाता, लिमिट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। मॉड के फंक्शंस में लिमिट डालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां क्योंकि ये मॉड का क्वेश्चन नहीं है तो आपको अपनी लिमिट अपने क्वेश्चन में इंसर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अब क्योंकि मैंने लिमिट इंसर्ट करनी है स्टेप पर, तो ऑब्वियसली बात है मैं लिमिट डालना बंद कर दूंगा। ये भी नियम है कि अगर आपने जिस स्टेप पर लिमिट इंसर्ट कर दी है, आप लिमिट लिखना उस स्टेप के बाद बंद कर देंगे। तो क्योंकि इस स्टेप पर अब मैं लिमिट डालने वाला हूं, तो ये लिमिट जो मैंने लिख दिया था उसे हटाना पड़ेगा। तो 2 3 - 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, एच की वैल्यू 0 है ना, तो 0 पुट कर दी। अब 2 तो 3 - 0 = 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 1, तो 18 - 1 दैट इज इक्वल टू 17। तो कह सकते हैं कि LHL का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 17। चलिए RHL सॉल्व करते हैं। RHL बिल्कुल लिखने का वही तरीका, लिमिट x टेंड्स टू किस पर चेक कर रहा हूं, 3 प्लस fx, शुरू में बताया था LHL है तो 3 माइनस, RHL है तो 3 प्लस। अब अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में आपको मैंने बताया था लिमिट किसी पर भी चेक कर रहे हो, यहां पर h टेंड टू 0 ही आएगा और यहां क्या आएगा, 3 प्लस h। जैसे यहां पर 3 माइनस h आया था, ऐसे यहां पर 3 प्लस h। चलिए अब फंक्शन के लिखने की बारी। फंक्शन क्योंकि एक सिंगल ही है तो यही लिखना पड़ेगा। बस अंतर इतना है कि क्वेश्चन में जो x मौजूद है उसके लिए क्या लिखा जाएगा, 3 प्लस h, तो ट्वाइस ऑफ 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब इस लिमिट को इंसर्ट करने की बारी आ गई, मतलब एच की जगह 0 पुट कर दीजिए। लेकिन मैं लिमिट इंसर्ट कर रहा हूं तो लिमिट लिखना बंद हो जाएगा मेरा। तो चलिए, तो 2 3 + 0 का होल स्क्वायर माइनस का 1, तो 2 3 + 0 = 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस का 1, 9 × 2 = 18 - 1 इज इक्वल टू 17। RHL भी 17, LHL भी 17, क्या लिमिट आपकी मैच कर गई है, बिल्कुल मैच कर गई। तो क्या लिखेंगे कि सिंस LHL इज इक्वल टू RHL, hence the given function fx is continuous at x is equal to 3। बस क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।